हो गई है, यानी मृत्यु के सत्य को लेकर ही कहानी शुरू होती है। शाब्दिक अर्थ में मैं नहीं कह रहा हूं, पर कुछ देर में गोदार्ड ने ही तो कहा था ना, जब उनसे पूछा गया था कि क्या फिल्म का की शुरुआत और उसका बीच का समय और अंत का नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने कहा था हाँ पर इस क्रम में नहीं, जरूरी नहीं है। तो कुछ इस प्रकार से वो कहानी शुरू होती है, और फिर बाद में पिता की मृत्यु, ये एक बहुत बड़ा विचार है। आज के युग में इस कहानी का महत्व मुझे लगता है इसमें भी है कि आज के युग में पिता की मृत्यु हर संस्कृति में महसूस की जा रही है। एक परंपरा में की जो एक आवाज होती थी कि भाई ये करो ये नहीं करो, ये मैं किसी आलोचनात्मक उद्देश्य से नहीं कह रहा हूं, पिता की आवाज, पिता माँ हो या पिता हो, जो हमें बताया कि मेरी माँ हमेशा मुझसे कहा करती थी, कुछ बताती नहीं थी क्या करना, कहते कुछ भी करो सोच समझ के करो, यानी उन्हें हमेशा शक रहता था कि सोच और समझ दोनों में मैं पीछे रह जाऊंगा। पर वो बात हम मानने के लिए तैयार नहीं है, हर जगह पिता की मृत्यु हो चुकी है, मार ही डाला है ऐसा लगता है इसको, तो लेके तो ये मृत्यु क्या है, एक दंड है, उससे अगर हम वापस नहीं आए और इस बात को हम मान लें, बिल्कुल ये विचार तो आता है, सबको आता है, पर ये अगर विचार एक प्रकार का चिंतन बन जाए, एक प्रकार का दबाव बन जाए दुनिया में, और मुझे कभी कभी लगता है कि ऐसा हो रहा है, तो बहुत सारे लोग ये मानने लगेंगे कि मृत्यु तो कभी कभी आनी ही है, उसको बुलावा क्यों ना दे दिया जाए, क्या अंतर है आज या 50 साल बाद। और सिर्फ व्यक्ति की मृत्यु की बात मैं नहीं कर रहा हूं, सामूहिक मृत्यु, मानव जाति की मृत्यु कभी ना कभी तो होगी ही, और मृत्यु तो एक दंड है, उस जगह हमें ले जाती है जहां से हम वापस नहीं आते, तो आज ही क्यों ना ऐसा करते। तो ये जो एक एक दबाव है चेतना का या अचेतना का, यह है आज, ये एक शक्ति है। और कुछ लोग हैं जो मानते हैं कि मृत्यु सजा नहीं है, अंत नहीं है, वो कहीं और जाके हमें ले जाती है किसी स्वर्ग में जहां से पहले से ही आरक्षण हमारा हो चुका है। ऐसे लोग भी बहुत उत्सुक होंगे वहां पहुंचने के लिए, मृत्यु को बुलाने के लिए, औरों को मृत्यु देने के लिए, तो आज बिल्कुल तैयार है जगत, आधुनिक जगत काले पानी के कारावास में जाने के लिए और सबको ले जाने के लिए। ये जो कथा है वो इस प्रलोभन को देखते हुए भी एक ऐसे समाधान तक पहुंचना चाहती है जहां हमें पहुंचना होगा, क्योंकि ऐसा करना ये मात्र मानव जाति की धरती नहीं है, यहां मानव इतर कितने प्राणी हैं, दृश्य और अदृश्य, उन सब का ये घर है। और जैसा अभी गगन ने बताया, निर्मल स्वयं कहते थे कि जो जीवित हैं उन्हीं पर आधारित नहीं है कोई देश, जो मृत हैं उनकी तो गणना करो ये तय करने के लिए कि मेजॉरिटी किसकी है, माइनॉरिटी किसकी है, जो मृत लोग हैं किसी भी तबके के उनकी गिनती करो। अगर मैं वयस्क होता और कुछ बोलना आता तो मैं जिना साहब से कहता कि आपने ये जो बात की है, अब मुसलमान तो मरे भी हैं, हिंदू भी, उन सब की सूचियां भी आप दीजिए कौन ज्यादा है, और मानव को छोड़ दीजिए, क्या विभाजन इस तरह से तय हो सकता है, इस जमीन की सेवा क्या सिर्फ जो अभी जीवित है उन्होंने ही की है, और ये सिर्फ भारत में ही नहीं हो रहा है, हर जगह, और सिर्फ मजहब को लेकर नहीं। तो ये जो गणनात्मक जो समझ है समूह की वो बिल्कुल गलत है। पर इसको, इसके साथ लड़ना इस कहानी का प्रयास है मुझे लगता है। अच्छा, अभी जो मैंने मुझे याद आया गगन की बात, गगन ने निर्मल से पूछा तो जो कहते तुम पुनर्जन्म नहीं चाहोगी, मोक्ष क्यों,
कि देखो कितनी सुंदर दुनिया है, कितनी ठंडी हवा चल रही है, यहां वापस क्यों नहीं आओगी? गगन ने क्या कहा वो उन्होंने नहीं लिखा, पर मुझे लगता है ये जो वापस आना है, आते रहना है, जन्म पुनर्जन्म पुनर्मृत्यु, ये होते रहने वाली जो बात है, ये भी हमारी संस्कृति में बहुत पहले से सोची गई है ये बात भी, पर इसको भी असंतोषजनक माना है, क्योंकि जितनी बार हमारा जन्म होगा उतनी बार हमें मृत्यु का भय होगा और उत्सुकता होगी। तो जब मैं बहुत वर्ष हुए कॉलेज में पढ़ता था, तब मुझे ये बात भारतीय संस्कृति की बड़ी अजीब लगती थी, ये क्या कि नाम मुझे, अब मैं मृत्यु और जन्म दोनों से मुक्त हूं, अभी ये तो बड़ा बहुत ही स्वार्थी विचार है, अनेक बार आओ। और ऐसा स्वामी विवेकानंद ने स्वयं कहा कि मेरी तो ये इच्छा है कि मैं अनेक बार आऊं, अनेक बार मैं सबसे गरीब से गरीब व्यक्ति के रूप में पैदा हूं। तो मुझे भी लगता था कि ये जो बात है इसमें कुछ गड़बड़ है, पर जैसे जैसे मैं मृत्यु के पास पहुंचता जाता हूं मुझे इस बात के सत्य में भी थोड़ा थोड़ा विश्वास मेरा बढ़ता है। ये है कि अगर हम बार बार जन्म लेते तो ये भय की बात छोड़िए, पर इसमें तो बहुत ही स्वार्थ है कि अपने लिए हम एक एक देह का आरक्षण कर लें हर 100 साल या जो कुछ भी हो, तो ये तो बहुत ही मुझे लगता है संकीर्ण बात है। और जो जन्म मरण दोनों से मुक्ति की जो बात है, जिसका भी जिक्र कहानी में है, वो उस अवस्था का, चेतना की उस उपलब्धि की बात है जब हम में ये स्वार्थ हट जाता है और ये चेतना ऐसी हो जाती है विस्तृत कि जो भी जीता है उसके साथ हम होते हैं, जो भी मरता है उसके साथ हम होते हैं, हम अपने लिए विशेष, हमारे जन्म और मृत्यु के लिए एक एक विशेष देह और नहीं चाहते। ये बहुत बड़ी बात है, ये सहजी बाबा ने समझा था। और छोटे जो इसके पात्र हैं, जो कुछ ऊंचाई से पहुंचना चाहते हैं, पर देखिए मृत्यु तो हो गई है कहानी में पिता की। एक और कहानी है जिसमें पिता की मृत्यु को लेकर एक बहुत ही संघर्ष दिखाया गया है बीच बहस में, उसमें यानी पिता की मृत्यु के विचार से निर्मल बहुत जूझे हैं। और ये जो दूसरी कहानी है वो बहुत घबराने वाली कहानी है, अस्पताल की बात अभी राम के पत्र में सुनाई दी। ये इस कहानी में जो अस्पताल में पिता हैं, देखिए बहुत मुश्किल हो जाता है जब, अब जैसे निर्मल के साथ बातचीत करते थे हम इसके बारे में, अब वो नहीं है तो अब हम अपने से बातचीत कर सकते हैं, हमारे भीतर जो निर्मल हैं। उस कहानी में तो निर्मल तुमने ऐसा यानी अपने ये जो बाप जो था जिसकी जिसका बेटा उसकी सेवा कर रहा था, वो तुम हो या कोई और हो, ये मैं आत्मकथात्मक बात कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, उसको तो इतना डांटा फटकारा इस पिता ने और उसने सेवा की लेकिन बड़ी झिझक के साथ। आजकल अस्पतालों में सेवा करना उतना आसान नहीं होता है, जो भी डॉक्टर आदि होते हैं वो भी कुछ पूरा कर नहीं पाते हैं और हमें कोशिश करनी पड़ती, मुश्किल हो जाता है और पिता बहुत बिगड़ जाते हैं, पिता माता कोई भी बंधु। और इस कहानी में वो इस अस्पताल की धुंधली रोशनी में बहस करते करते एक चले जाता है, कहानी कहती है अंत में कौन रह गया कौन चला गया ये हमें मालूम नहीं। तो पिता को तो इस प्रकार मरते हमने देखा है जीवन में, और इस कहानी में आप अवश्य पढ़िए, मुझे लगता है कि इस कव्वे और काला पानी को समझने के लिए बीच बहस में जो कहानी है कम से कम उसको पढ़ना तो बहुत ही जरूरी है। पर यहां पे वो नहीं है, पिता चले गए पर यहां एक प्रकार की चुप्पी है, कोई ये वाक्य नहीं है कि ये बहुत दुख की बात है पिता चले गए अब नहीं वापस आएंगे, ये बात नहीं है उसमें। उसमें तुरंत एक गृहस्थी की जो चिंता होती है जब पिता माता चले जाते हैं कि भाई अब ये अब संपत्ति है बंटवारा कैसे हो, बंटवारा संपत्ति का। बहुत वर्ष पहले पिता की मृत्यु होने से पहले कव्वे और काला पानी की कथा में एक भाई जो सबसे बड़े भाई नहीं थे उससे छोटे थे, पर छोटे जो हैं जो कहानी कह रहे हैं उनसे बड़े थे, बहने भी हैं बच्चे भी हैं, वो भाई घर छोड़ के चले गए थे।
क्यों चले गए हों, ये नहीं बताया गया। अंत में जब उनकी बातचीत होती है, अब यहां भी मैं देर की बात पहले, पहले की बात बाद में कहूंगा ऐसा कुछ, वो एक जगह पूछते हैं कि अगर, वो कहते हैं बाबा, छोटे उनसे पूछते हैं कि अगर एक ही बात है आपका यहां रहना या वहां रहना, तो आप वहां से यहां आए क्यों? तो वो कहते हैं कि क्योंकि मेरा मतलब वहां तुम लोगों के लिए कुछ नहीं होता, और यहां क्योंकि यानी दूसरों के लिए मेरा मतलब कुछ नहीं होता, और यहां कोई दूसरा है नहीं, इसलिए अपना ही मतलब हम खोज सकते हैं। ये बहुत ही महान सत्य है अद्वैत का, जब दूसरा न हो तभी हम अपना मतलब खोज सकते हैं, इसलिए उन्होंने घर छोड़ा। कुछ कुछ ऐसे ही रमण महर्षि 16 वर्ष की आयु में उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ, और वो क्या मोक्ष वो भी था, कैसे उन्होंने भी मृत्यु से लड़कर और हराकर मृत्यु को, कुछ कुछ नचिकेता जैसे उनको ये बोध हुआ कि वो चेतना है। अगर मृत्यु कहती है कि ये देह जो है तेरी, ये मुझे दे दे, ये तो मेरी है, ये तो प्रकृति से तूने चुराई है, तो रमण महर्षि ने कहा होगा ले जा। और अगर मृत्यु ने कहा होगा कि ये जो मन है तेरा, ये ब्राह्मण मन, बहुत इसको तू समझता है कि ये बहुत ये बड़ा है, बहुत गहरा है, सूक्ष्म है, ये तो तूने आसमान से चुराया है, तो बालक रमण ने कहा ले जा। और फिर शायद मृत्यु ने कहा होगा ये जो जनेऊ है तेरी, ये तो तूने इतिहास से चुराई है, ले जा। और फिर रमण महर्षि के हृदय में ये विचार उठा कि ये सब तो चला गया और इस देह को जला दिया जाएगा, तो क्या मैं भी नहीं रहूंगा? तो इस प्रश्न जो शब्दों में नहीं था के उत्तर में एक ऐसी गहरी चेतना जागी उनके हृदय में, जिसने उन्हें आश्वस्त किया कि वो जो हैं, वो सब देह जो हैं वो उन्हीं के हैं, जहां भी मृत्यु है उनकी है, जहां भी जन्म है उनकी है, ये बात। तो इस सत्य को